उमरिया जिले के गांधी चौक पे आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत स्थानीय गांधी चौक में महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन कर केंद्र की मोदी सरकार को जन विरोधी करार देते हुए कांग्रेसी नेताओं ने जमकर बखिया उधेड़ी। इस अवसर पर एलपीजी गैस सिलेंडर एवं खाद्य तेल शीशी भरकर फूलों की माला पहनाकर प्रधानमंत्री से देश हित में महंगाई कम करने की मांग की और केंद्र की भाजपा सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री पूर्व विधायक अजय सिंह, जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा, जनपद अध्यक्ष राम किशोर चतुर्वेदी, लाल बहादुर से महिला कांग्रेस अध्यक्ष सावित्री सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता अशोक गोटिया, मनोज सिंह, त्रिभुवन प्रसाद सिंह, अब्बू सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हूँ। आप लोगों ने हमारी आवाज को ऊपर तक पहुँचाने के लिए आज हम तक पहुँचे हैं। मैं इसके माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि आज हमारा यह कार्यक्रम प्रदेश से लेके और जिले के कोने कोने में महंगाई को लेकर किया जा रहा है। आज जो महंगाई डीजल पेट्रोल रसोई गैस की कीमतें जो बढ़ी है, आज हमारे जनता और बहनों की जो बहनें चूल्हा चौका में काम करती हैं और घर संभालती हैं, आज उनसे पूछा जाए कि महंगाई किस स्तर में पहुंच गई है। आज लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलती है, कभी पकौड़ी खाने का मन होता था, पहले तो रोज खाते थे, लेकिन आज जो महंगाई है, एक लीटर तेल लेने के लिए मुझे सोचनी पड़ती है। दुकानों में जाते हैं, पैसा नहीं है, खाली वापस चले आते। मैं माननीय मोदी जी को निवेदन करना चाहती हूँ कि ये बढ़ी हुई महंगाई को वापस करें और जनता के हित में काम करें, जनता को ठगा ना जाए, जनता के साथ धोखा ना किया जाए। जिस हिसाब से जनता को प्रलोभन देके सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाई थी, आज उन चीजों में खरे उतरे मोदी जी और जनता का जनता के अधिकार वापस किया जाए। और मध्य प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। घरेलू गैस, लोहे की छड़, सीमेंट और तमाम जो रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, वे बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इसके विरोध में आज हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और जिला कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग करती है, जनता का शोषण करना बंद करें और जो वादा जनता के साथ आपने किया था, भाजपा की सरकार बनने के बाद महंगाई दूर करें, उस वादे को याद करके और राजधर्म का पालन करें, जनता के साथ धोखाधड़ी किया गया। इस संदर्भ में बताएं, मरिया जिले में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया और जो गैस सिलेंडर के कीमत बढ़ी हैं उसको लेकर गैस पर माल्यार्पण करके और पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है मोटरसाइकिल पर माल्यार्पण करके विरोध प्रदर्शन किया। जिस तरीके से डीजल पेट्रोल और गैस के और खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ी है, ये आम आदमी के पहुंच से बाहर होता चला जा रहा है और यही हालत रही तो उज्ज्वला योजना का कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसी योजनाओं को सरकार के द्वारा तत्काल बंद कर देना चाहिए। गैस सिलेंडर की कीमत से बढ़ रही है, हमने मांग की है कि मोदी जी के नोटों के जिस तरीके कलर हैं उनका गैस सिलेंडर भी उनकी फ़ोटो लगना चाहिए, जैसे जैसे कीमत बढ़ जाए वैसे वैसे फ़ोटो के कलर बदल जाए। ये बर्दाश्त से बाहर हो गया है। कांग्रेस ने अपने धर्म का निर्वहन किया है, विपक्ष की भूमिका निभाई है और आगे भी निभाती रहेगी। आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिल्ली में प्रदर्शन करके और विरोध जताया है और यहाँ उमरिया में जिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करके विरोध जताया है, लेकिन मोदी जी की और उनकी सरकार अपने राजधर्म का निर्वहन नहीं कर रही। सरकार जनता में त्राही त्राही हो गई है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, रोड टैक्स बढ़ गया, बिजली की कीमत बढ़ गई, लोहे की कीमत बढ़ गई, लेकिन सरकार का बाजार पे कंट्रोल खत्म हो गया है। हम मांग करते हैं कि सरकार इस पर तत्काल रोक लगाए और डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ जाए। धन्यवाद।